थाने के एक अस्पताल में प्रिया सिंह भर्ती है और उनका जो है इलाज चल रहा है, लेकिन उस पर अब आगे कानूनी प्रक्रिया क्या है इसको लेकर के उनकी जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। मैडम, प्रिया की हालत अभी कैसी है और अब जो आगे कानूनी प्रक्रिया आप लोग करने वाले हैं उस पर क्या कर रहे हैं? प्रिया जी से मैं मिली हूँ। प्रिया की हालत स्टेबल है, बट जो इंजुरीज है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। शी विल नॉट बी एबल टू वॉक मे बी फॉर मोर देन 3 मंथ्स एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिकवरी। ये जो इंजुरीज हुई है, जहाँ हुई है, जिस ढंग से कार ड्राइव की गई थी विद द इंटेंशन टू किल हर, फॉर्चुनेटली शी वॉज सेफ, शी कुड सर्वाइव। तो इस वजह से हमारी पुलिस अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे लिया जाए, जो आज तक नहीं लिया गया है। एंड वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग देम टू रिकॉर्ड द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट सो दैट अप्रोप्रिएट सेक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, क्योंकि ये केस में 307 लगाना बहुत ज़रूरी था। देवर इन द रिलेशनशिप, यहाँ पे चीटिंग हुई है, वहाँ पे बहुत गलत तरीके से उसके अश्वजीत जी ने और उनके जो सहकारी थे उन्होंने उस ढंग से बात की है, तो ये सब के लिए ये सब रिकॉर्ड पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट आज तक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पुलिस अथॉरिटीज़ ने रिकॉर्ड पे नहीं लिया है। प्रिया कह रही कि आज भी पुलिस उनके पास आई थी और बार बार वो कह रही हैं कि 307 धारा लगाइए। प्रिया का ये भी कहना है कि मेरे बयान को बदलने की कोशिश की जा रही है, पुलिस कर रही है। क्या वास्तव में ऐसा है और अगर ऐसा है तो क्या कानूनी प्रक्रिया आप आगे करने वाली हैं? फिलहाल तो यही है कि हमारा जो स्टेटमेंट था जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो इसीलिए वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग देम टू टेक द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड, दैट विल हेल्प देम टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, राइट, एंड अप्रोप्रिएटली वो सेक्शंस लगनी चाहिए। और अगर ये पुलिस अथॉरिटीज नहीं करती है, देन वी विल बी लेफ्ट विथ नो चॉइस देन टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट सीकिंग अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द पुलिस अथॉरिटीज। और क्यों नहीं लग रहे हैं ये जो सेक्शन लगने चाहिए, क्यों नहीं लग रहे हैं? वो नहीं लग रही है, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन अगर नहीं लग रही है तो कायदे के हिसाब से बींग हर लॉयर आई विल डेफिनेटली टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस। या करें कि रसूखदार फैमिली है, बड़े लोग हैं, इसलिए जो है पुलिस शायद दबाव में है। क्या आपको भी ये लगता है? एक वकील हैं आप, इस तरह के तमाम मामले देखते रहते हैं। जो केस है उसमें जस्टिस देना मेरा काम है एंड आई विल गिव माय बेस्ट कि जस्टिस इज गिवन टू प्रिया, दैट्स ऑल। कब तक इंतजार करेंगी पुलिस के जो है बयान का, कब तक इंतजार? थैंक यू। तो ये प्रिया की वकील थी, जिनका कहना है जो सेक्शन लगने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं, पुलिस को जो बयान दर्ज करना चाहिए था वो नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। अगर पुलिस इस पे जो है ध्यान नहीं देती और ये सेक्शन नहीं लगाती है जो कि पीड़िता है जो चाहती है जिसके साथ हुआ है, तो हम कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और मामले को हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।